मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का विषय हमारा मैथमेटिक्स होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 है और ये 29 दिसंबर 2021 के लिए है। तो केस बेस स्टडी अभी करेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, मनीष स्टार्टेड डूइंग वॉक टू स्टे फिट, यानी मनीष फिट होने के लिए वॉक करता है। ठीक है, वो 30 मिनट ऑफ वॉक इन द मॉर्निंग ऑन द फर्स्ट डे, यानी पहले दिन वो 30 मिनट वॉक करता है। देन वेंट ऑन द इंक्रीजिंग वॉक टाइम एवरी डे बाई 10 मिनट, यानी हर दिन जो है ना वो 10 मिनट इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे कि अभी हम मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए इसे, वो मनीष 30 मिनट से स्टार्ट करता है, दूसरे दिन वो 40 मिनट होता है, तीसरे मिनट 50 मिनट, चौथे दिन जो है ना वो कितना, फिर 60 मिनट हो जाता है, फिर सातवें दिन 70 मिनट, आठवें दिन 80 मिनट हो जाएगा, अगर इसी तरह वॉक करते रहेगा। ठीक है, तो देखिए, आफ्टर हाउ मैनी डेज मनीष स्टार्टेड वॉकिंग फॉर 1 आवर, तो कितने दिन, तो ये पहला दिन ये हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकेंड डे हो गया, ये थर्ड डे हो गया, ये फोर्थ डे, यानी फोर्थ डे पे वो 1 किलोमीटर यानी जो है ना 1 आवर वो वॉक कर रहा है, तो यानी चौथे दिन पे, तो चौथे दिन अपना फोर्थ का आंसर हो, इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट। उसके बाद इसी में आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये उसके बाद है, हाउ मच टाइम ही वॉक ऑन फिफ्थ डे, यानी फिफ्थ डे वो कितने, तो ये पहले दिन ये है, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन, ये पांचवें दिन, यानी 70 मिनट, तो तीसरे दिन वो 70 मिनट उन्होंने वॉक किया है, राइट। इन द टोटल टाइम स्पेंड बाई हिम टिल 6th डे, यानी छठे दिन वो कितना किया है, तो ये इतना किया है, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊँगा एक एक करके अभी ये कैसे आया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें 4th है। ठीक है, 4th है इसमें, द फार्मूला यूज टू डिटरमाइन द टाइम डिवोटेड फॉर द वॉक टिल द 6th डे, तो ये इसमें ये फार्मूला हम यूज किए हैं, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला यूज किया गया। ठीक है, तो इस फार्मूले के थ्रू क्या किया गया, ये बनाया गया, तो ये फार्मूला आपका यहाँ पे मिलेगा, पहले पे मिल जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर हाउ मैनी डेज मनीष इंक्रीज हिज वॉक टाइम, यानी कितने दिनों बाद वो इंक्रीज किया। ठीक है, तो चलिए एक बार 3rd और 5th को हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला का जो डियर स्टूडेंट आपका आंसर बी हो जाएगा, सेकेंड का बी हो जाएगा 70 मिनट, एंड 3rd का आपका डी हो जाएगा। डी कैसे, यानी एस एन इक्वल टू एन वाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला यूज करेंगे, तो 6 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो 6 अपॉन में 2, यानी 6 दे रखा है, तो इसको कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2a + n-1 × d, तो इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो आपका डियर स्टूडेंट ये 3 और 60 + 50 कितना हो, 110, और 110 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 330 मिनट हो गया, लेकिन आपको आवर में करना है, तो इसको आप जो है ना डिवाइड कर देंगे 6 से, तो वो भी आ जाएगा, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 4th इसी में था। ठीक है, 4th है ऐसे, ये फार्मूला हमने यूज़ किया है, और 5th जो है ना ये 7 डेज लगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा है। ठीक है, अब इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड कर दें करेंगे फॉर द विच द इक्वेशन x² + k/(k) क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, k2x + k-1+2 तो हैज नो रियल रूट, तो इसका जो है ना हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए करते हैं इसे। तो देखिए ये 6 का x² + k और 2x + k-1+2 है, तो इसमें जो है ना इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ये x² है + 2xk + k² - k+2, यानी के से इस सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक तरीके का ये इक्वेशन बन गया, ये सी का टोटल वैल्यू है, तो ए का 1 है कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 होता है। ठीक है, और बी का वैल्यू 2k, सी का k² - k+2 है, तो ये डी जो है ना हमेशा क्या होता है, डी छोटा हो जाएगा, यानी इधर जो भी वैल्यू आएगा उससे डी छोटा हो जाएगा, जो ये कैप पहन लेता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए b² - 4ac करके हम जब करेंगे तो 2k² - 4 × 1 और k² - k+1, तो इसको आगे जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे जब सॉल्व करेंगे तो 4k² हो जाएगा, -4 को 1 से तो 4 हो जाएगा, k² - k+1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो 4k - 8k = 0, तो ये देखिए ये बराबर के उधर अगर चला जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, यानी 4k = 8 हो जाएगा, तो k = क्या हो जाएगा हमारा,
टू हो जाएगा, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे, ये इसको कट करेंगे तो टू, तो के का वैल्यू जो है ना क्या आ जाएगा हमारा, टू, यानी टू बड़ा है के से, ठीक है, ये बताया गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी 30, 35, 30, 25, 30, 25, ठीक है। तो कौन सा नेगेटिव है, तो ये हमें बताना है। तो कौन सा टर्म नेगेटिव है, तो देखिए 30, 35, 25, ये धीरे धीरे आके जो है ना, इसको आप 20 भी लिख सकते हैं, फिर ये 25 है, 20, 15 भी हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, इसी तरह आगे आ करके। तो यहीं यहाँ कहने का मतलब ये थर्ड ए इक्वल टू 35 है, डी तो डी टू माइनस ए, इसमें ए वन के इसमें करेंगे, यानी 30 में से 35 माइनस करेंगे तो डी का वैल्यू माइनस 5 हो जाएगा। और एन निकालना है, तो एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू, यानी तो ये कितना, ए का वैल्यू 35 है, एन माइनस 1 और माइनस 5, तो इसको जब 35 प्लस माइनस यानी 5n और प्लस 5, तो ये जब ए एन इक्वल टू 40 माइनस 5n, तो अब इसका वैल्यू, अब ए एन का वैल्यू आप जीरो रखेंगे, तो ए एन का वैल्यू तो 40n माइनस 5, तो n का वैल्यू आपका जो हो जाएगा 40/5, तो ये कट करके आपका 8 आ गया, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट, 8AP यानी का जो है ना वो जीरो होगा, 8th टर्म ऑफ AP जीरो होगा, और हेंस द 9th टर्म ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव होगा। नौवां टर्म यानी 9th टर्म जो है ना वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, नौवां टर्म नेगेटिव होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द x इक्वल टू 4x² - 4ax + a² - b² = 0, राइट। तो इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना बेहद ही आसान है, ठीक है। तो 4x² - 4ax + a² - b², तो a इक्वल टू 4 होता है, b इक्वल टू -4, ठीक है। तो c इक्वल टू a² - b², तो d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। अब देखिए तो -4ac तो यानी कितना हो गया, 16a², तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो a² - b², तो 16, और ये 16 अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16a² और 16b², तो इससे ये दोनों कट गया, तो प्लस में 16b² बचा, 16b² बचा, तो ये तो हमारा बच गया। अब x हमें निकालेंगे तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac करके निकालते हैं, राइट, अपॉन में 2a, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 49, ये क्या हो जाएगा, 49 माइनस, और ये b², तो ये 16b² है ना, तो ये 4b बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको ये रूट कट जाएगा इस स्क्वायर से, ये और 16 4 का होता है, ठीक है। तो ये ना 49 प्लस 4b अपॉन में 8, तो इसमें से सॉरी 49 यही है, ये a है, ये 4a है, ठीक है। तो 4a इसमें से कॉमन हमने ले लिया, तो 4 2 जा 8, तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक बार जो है ना, a x + b / 2 a - b / 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन द 10 and 250, यानी 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल आते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए 12, 16, 20, 24 और 248 लास्ट वाले जो मल्टीपल होगा 4 का, ठीक है, 250 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, तो 248 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो a इक्वल टू 12 हो गया, d इक्वल टू 16 - 12, तो ये 4 हो जाएगा आपका d का वैल्यू, an इक्वल टू टोटल 248 हो जाएगा, ठीक है। तो n हमें फाइंड करना है, तो an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे फॉर्मूले पे आप पुट करेंगे, तो 248 इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 अपॉन इंटू 4, तो 248 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे अपॉन में 4, तो n माइनस 1, तो ये 236 हो जाएगा अपन में 4, तो जब इसको कट करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको कट कर सकते हैं, तो ये 59 हो जाएगा, 59 प्लस 1, तो n इक्वल टू, तो n इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, 60 आपका ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, 1/(x-3) + 2/(x-2) = 1, चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसको सॉल्व करना है, तो 1/(x-3) + 2/(x-2) = 1, तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक बार x-2 + 2x-3 = 1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप आसानी से, ठीक है, तो x-2 + 2x-6 = x-3 और x-2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये 3x-8 और x-2 - 3x-2, तो ये 3x-8 हो जाएगा और x²-2x-3x + 6, तो 3x-8 = x²-5x + 6।
अब आगे हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स माइनस थ्री एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे वन, हम ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ये फोर्टीन है ठीक है, ये क्या है प्लस फोर्टीन है याद रखिएगा ठीक है, तो ए इक्वल टू वन हो जाएगा, बी इक्वल टू माइनस एट हो जाएगा और सी इक्वल टू ये फोर्टीन है राइट। अब इसको उसी फार्मूले पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी निकालना है तो माइनस एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, और फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर, और फोर चौदह को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी सिक्स, तो फोर्टी सिक्सटी फोर में से अगर फिफ्टी सिक्स माइनस किए तो हमारा एट आंसर आ गया राइट। उसके बाद एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन में टू ए होता है, तो इसमें फार्मूले पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए ये माइनस एट है माइनस माइनस प्लस, तो एट हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट एट का टू रूट टू लिखेंगे ठीक है, अपन में टू इंटू वन तो टू हो जाएगा ठीक है, तो ये टू से टू कॉमन लेकर के ये कट कर देंगे, तो फोर प्लस रूट प्लस माइनस रूट टू हो जाएगा। इसको दो बार आप आसानी से लिख सकते हैं, एक बार तो आप एक्स इक्वल टू फोर प्लस रूट टू और एक्स इक्वल टू फोर माइनस रूट टू लिख सकते हैं ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर की जाती है ठीक है, और आपके इस वर्कशीट का सोल्यूशन भी वहाँ मिल जाएगा।